हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिक बॉल। गाइस, बिग बॉस लीग 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 39 जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉर्चर एंड सिडनी थंडर्स के बीच में, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। 13 जैन को 1 बजे दोपहर में ये मैच शेड्यूल्ड है। तो टीम बनाने के लिए तो तैयार हो जाना आधे घंटे पहले, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इतनी गजब की विनिंग बिग बैश लीग में हम करा रहे हैं, साथ साथ आप देखो बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं ना जो वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं। जैसे आपका पैरेलल में जितने भी मैचेस चल रहे, चाहे बात करें हम सुपर स्मैश लीग चल रहा है या बात करें साउथ अफ्रीका आपकी T20 लीग चल रही है, गजब की टीम गई है। कल रात वाली टीम अगर आपने देखी होगी ना, मतलब हमने डिकॉक को कैप्टन बना के दिया और डिकॉक ने खेली है 60+ की पारी। तो वैसी टीम जो वीडियो में नहीं कवर हो रही, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कवर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। उस टीम, सेम टीम जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उस सेम टीम के साथ हमने खुद कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या पॉइंट आया है और क्या रिटर्न लाया हमने, सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे प्रूफ आपके सामने हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जाके ज्वाइन नहीं करना है, पहले आप चेक कर लो कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ, और अगर सही बोल रही हूँ ना तो ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को देख लो, इतनी विनिंग करा रहे हैं तो आप क्यों दूर हो, आप भी, क्योंकि आपके लिए ही तो सब कुछ है। हम तो खेल के जीतेंगे ही हम, लेकिन यहाँ जो चैनल, इतने सारे मेहनत होते हैं, इतने स्टैट्स लाए जाते हैं आपके लिए। तो जल्दी से जाके आप ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री में टीम मिलने वाली है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में टीम मिल रही है, तो फ्री में चीज़ें मिल रही है और हम इंडिया वाले कैसे छोड़ सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर करके देने वाली हूँ, कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन कितने विकेट निकालने वाला है, इसके साथ साथ दोनों टीमों के फुल स्टैट्स आपके सामने रखने वाले हैं हम, स्मॉल लीग की बेस्ट टीम GL के कॉम्बिनेशन। लेकिन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस सीज़न में दोनों टीमें 9 मुकाबले खेल चुकी है। वहीं बात करें थंडर्स की, तो 9 में से 5 मैच जीती है, और पर्थ स्कॉर्चर्स तो भाई टॉप पे चल रही है। पूरे सारे टीमों को मिला के आप उठा के देख लो, टॉप पे चल रही है, नंबर 1 रैंक अपना एक्वायर कर लिया। जैसा कि लास्ट मैंने बोला भी था, रैंक 2 पे थी, मैंने बोला था ये मैच जीत के रैंक 1 पे आएगी, और वही हुआ, रैंक 1 पे आ चुकी है, 2 ही मैच हारी है। लेकिन याद करो, अगर आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाने के लिए हूँ यार, 1 मैच हारी थी सिडनी थंडर्स ने, उस मैच को जीता था। मतलब टॉप की टीम जो कि 2 मैच हारी है, उसमें से 1 मुकाबला सिडनी थंडर्स ने हराया, ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ आगे इस मैच में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उस हार का बदला पर्थ स्कॉर्चर जरूर लेना चाहेगी। वहीं बात करें सिडनी थंडर्स की, तो अपने फॉर्म में बरकरार रहना चाहेगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे मैच वेन्यू की। ये मुकाबला सिडनी सो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में होने वाला है। गाइज, अगर मैं इस पिच की बात करूं तो यहां पर बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इनिशियल ओवर में स्विंग देखने को मिलता है, तो आपके पेसर्स को काफ़ी विकटें मिलने वाली है, बैटर्स भी पिच को एंजॉय करेंगे। रिसेंटली लास्ट मैच जैसा हमने देखा था, उस पर भी एक अच्छा खासा स्कोर बना था, और ओवरऑल देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में विकटें काफ़ी गिरेंगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, उसके चांसेस वहाँ पर 60% तक हो जाएंगे मैच जीतने के, स्टैट्स चीज़ें और क्लियर कर देंगी। पिच पे टोटल 31 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 16 मैच जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं। लेकिन अभी अगर आप रिसेंट देखो ना, तो चेस करने वाली टीम ज़्यादा मैच जीत रही है। एवरेज स्कोर की बात करें यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की, तो 151 है हाईएस्ट स्कोर, जो कि पर्थ स्कॉर्चर्स ने बनाया है 195 पे 1 विकेट है। लोएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें, तो वो यहाँ पर सिडनी थंडर ने बनाया था, और इसी सीजन में बनाया है, 15 रन बना के पूरी टीम आउट हुई थी। लेकिन उसके बाद जो फॉर्म में वापसी हुई ना, जीत का जो फिर लगातार बार बार वाला रिकॉर्ड बनाया थंडर्स अपने, मतलब 5 मैच जीते 9 में से, तो एक अच्छे रैंक पे, 4th-5th रैंक पे चल भी रही है। तो ठीक किया, ये वाले स्टैट्स आप भूल जाओ, वो वाली थंडर्स अब पूरी बैक हो चुकी है। अगर हम बात करें किस तरह के स्कोर पिच पे ज़्यादातर बनते देखे जाते हैं, तो 150 से 150 से नीचे का स्कोर 12 बार बन चुका है, 150 से 169 की बात करें तो 11 बार बन चुका है, 170 से 189 का स्कोर 7 बार बन चुका है, और 190+ का स्कोर केवल 1 बार बना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोरिंग मुकाबला हम नहीं देखने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना, अगर पर्थ स्कॉर्चर फोर्स बैटिंग करने आएगी तो स्कोर बनने वाले हैं। हालांकि दोनों की ये बैटिंग लाइन और मिडिल ऑर्डर, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में तो थंडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगी पर्थ स्कॉर्चर के सामने। लास्ट 10 मैच की बॉलिंग अटैक की बात करें, तो आप जैसा आंकड़े देख पा रहे होगे, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू स्पिनर।
चलिए जान लेते हैं क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस होने वाले हैं, कुछ बड़े खिलाड़ियों की टीम में हो चुकी है एंट्री और इस मैच में देखने को मिलेंगे वन ऑफ द फेवरेट जैसे हमारे खिलाड़ी जिनका वॉर देखने को मिलेगा इस मैच में। डेविड वार्नर भी मैच में एंट्री हो चुकी है और इस मैच में मुझे लग रहा है खेलने वाले गाइस। बाकी तो अपडेट आपको पता है टेलीग्राम पे आएगी और इसीलिए बोल रही हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं किया है। तो पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे स्टीफन एस्किनाजी, उनका साथ देते हुए दिखेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट। लास्ट मैच में बैनक्रॉफ्ट लास्ट टू मैच से फ्लॉप साबित हो रहे हैं लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लग रहा है ना ये खिलाड़ी चलने वाला है और बहुत गजब का खिलाड़ी है। आप इनको और टॉप ऑर्डर्स के साथ ना आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हो और रिस्क नहीं ले सकते हो, तो दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी अच्छे लेकिन मुझे बैनक्रॉफ्ट पर ज़्यादा भरोसा रहता है। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने यहाँ पर आने वाले हैं जोस इंग्लिस। लास्ट मैच में जोस इंग्लिस ने एक तरफा मैच कर दिया, गजब की पारी खेली थी। टॉप ऑर्डर डिसॉल्व होने के बाद भी जोस इंग्लिस ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से पारी को संभाला है, जिस तरह से पूरे मैच में अपना जलवा बिखेरा था और हमने दिया था कैप्टन का ऑप्शन और इसका प्रूफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि ऑप्शन में हमने दिया था कि आप इंग्लिस पे भी रिस्क ले सकते हो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो। उसके बाद नजर आएंगे निक हॉप्सन, एरन हार्डी ऊपर आने वाले हैं गाइज, यहाँ पर हॉप्सन से पहले आएंगे और हार्डी की फॉर्म बहुत गजब की चल रही है और लास्ट जो मैच जो जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी ना तो वहाँ पर भी हार्डी ने खेली थी एक अच्छी पारी और इस मैच में भी मुझे लग रहा है हार्डी के बल्ले से रन कन्फर्म निकलने वाला है। उसके बाद बात करें एस्टन अगर नजर आने वाले हैं, फिर देखने को मिलेंगे मैथ्यू केली आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर, डेथ ओवर में कंफर्म विकेट निकाल के देंगे मैथ्यू केली आपको 100% मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद नजर आएंगे एंड्रयू टाई के ओवर आपके पावर प्ले में नहीं आने वाले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में 2 से 3 विकेट एंड्रयू टाई हर मैच में निकाल के देगा। लास्ट मैच में शायद 1 विकेट मिली थी लेकिन इस मैच में कम से कम 2 विकेट टाई के नाम जाने वाली है। उसके बाद नजर आएंगे बैरन ड्रॉप आपके पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, मिडिल ओवर में भी आपके बॉल डालेंगे और मिडिल ऑर्डर में इनको अच्छी खासी विकेटें भी मिलती है। बैरन ड्रॉप के साथ आप जा सकते हो। एट लास्ट नजर आएंगे पीटर हज़ूवोलू और फिर कप्तान एस्टन टर्नर को हम कैसे भूल सकते हैं गाइज। मैं आपको वो मैच अब याद दिलाऊंगी कि जब दोनों टीमें भिड़ी थी ना उस मैच में पर्थ स्कॉर्चर क्यों हारी थी। बैटिंग लाइन कंप्लीटली फेल, बैटिंग पूरी डिजॉल्व नजर आई थी, पूरे बैटर्स ने अपनी विकेटें बहुत जल्दी खो दी थी, सारे बैटर ने, एक लौता खिलाड़ी उस मैच में चला था वो था कप्तान एस्टन टर्नर जिसने खेल दिया था 61 रन की पारी और शतक जड़ दिया था। उस मैच को टीम हारी जरूर थी लेकिन एस्टन टर्नर ने अपना काम कर दिया था, पॉइंट दिला दिया था और इसलिए मुझे लगता है इस बार भी आप एस्टन टर्नर को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। स्टार्टिंग में विकेट गिरेगी और टर्नर इस मैच में भी कंफर्म चलने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स के बारे में क्योंकि ये स्टैट्स आपको जीएल की टीम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको स्मॉल लीग में किसके साथ सेफ जाना है, जीएल में किसके पर रिस्क लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो दिमाग में चलते हैं ये स्टैट्स आखिरी 5 मैच के चीज़ें बहुत क्लियर करने वाले हैं। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैट वो स्टैट आखिरी मैच इसके खिलाफ उसे उतना नहीं जानना है, आखिरी 5 मैच देख के बहुत आराम से टीम बन सकती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीफन एस्किनाज़ी, राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 31-69 115 रन आखिरी 2 मैच से बिल्कुल फ्लॉप। बैनक्रॉफ्ट की बात करेंगे राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं 164 रन 46 रन 2 रन 76 रन आखिरी मैच में 6 रन मारे थे। जोस इंग्लिस राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग करते हैं 19 रन 47 रन 6 रन 6 रन आखिरी मैच में 67 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है और इंग्लिस देखो विकेट कीपिंग भी करेंगे तो कंफर्म आपको पॉइंट दिलाने वाले हैं, 1-2 स्टंपिंग और कैच आउट से 100% पॉइंट दिलाएंगे। उसके बाद हॉप्सन की बात करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 1 रन 1 रन 16 रन आखिरी 2 मैच में बैटिंग नहीं आई। एस्टन टर्नर राइट हैंडेड बैटिंग 53 रन 9 रन 61 रन 0 विकेट और इसी पारी की मैं बात कर रही थी, यही वो 61 रन है जो लगे थे सिडनी थंडर्स के खिलाफ। उसके बाद 23 रन 0 विकेट आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली, बैटिंग भी नहीं आई थी। एरन हार्डी राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 22 रन 17 रन 9 रन आखिरी 2 मैच से हार्डी के आप स्टैट्स उठा के देख लो लगातार 2 मुकाबले से 68 तक जड़ रहे हैं तो हार्डी यहाँ पर बहुत सेफ ऑप्शन है। लेकिन जीएल में अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप हार्डी को अपनी टीम से ड्रॉप कर दो, ये होता है रिस्क। फिर नजर आएंगे एस्टन एगर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराएंगे, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट आखिरी मैच में 0 विकेट। केली की बात करेंगे राइट आर्म मीडियम बॉलिंग
दो विकेट, मैंने जैसा बोला केली डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर है, आप देख सकते हो आंकड़े, आखिरी पांच के पांचों मुकाबले में केली को विकेट मिली है। एंड्रयू टाई राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट। बैरन रॉब लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराएंगे, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, आखिरी मैच में 3 विकेट। और बैरन रॉब कन्फर्म विकेट निकाल के दे रहे हैं रिसेंटली हर एक मैच में, और इस मैच में भी कन्फर्म निकाल के 1 विकेट तो आपको देने ही वाले हैं। हज्जू गोलू रिस्की प्लेयर होंगे इस मैच में। राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, आखिरी 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। जीएल में आप आराम से हज्जू गोलू पर रिस्क ले सकते हो। यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप बैंक्रॉफ्ट, जोस एंग्लिस, आरोन हार्डी और मुझे लग रहा है मैथ्यू केली, एंड्रयू टाई, बैरन रॉब, ये 5-6 खिलाड़ियों के साथ आप जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो ना तो आप इसके नाजी निक हॉपसन, एस्टन टर्नर, इसके अलावा आप हज्जू गोलू पे आप रिस्क ले सकते हो। चलिए दूसरी टीम की बात कर लेते हैं, सिडनी थंडर्स की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। लास्ट बार तो जीते थे और इस बार ये जो इतना बड़ा चेंज लेके आए हैं ना, बहुत मुश्किल होने वाला है पर्थ स्कॉचर्स के लिए इस मैच को भी निकालना। यहाँ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मैथ्यू गाइक्स, उनका साथ देते हुए देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के गजब के बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिनका वॉर हम सब ने देखा है किस तरह से एक मैच को एक तरफा ले जाते हैं, जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में भी एक तरफा मैच, वन मैन आर्मी की तरह खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी है पहले भी, बहुत बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी देखा है खेलते हुए गजब की पारियाँ वन साइडेड संभालते हुए, इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है और इनको कोई भी अपने टीम से मिस नहीं करने वाला है। मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग यहाँ कैप्टन के लिए जाएंगे डेविड वार्नर के साथ इस मैच में गाइज। लेकिन देखो अपडेट आएगी आपके लाइनअप के टाइम पे, तो अपडेट तो मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे। बाकी मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 मुझे लगता है यही रहने वाली है। यहाँ पर मैथ्यू गाइक्स के ये ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे लग रहा है खतरनाक इस मैच में होने वाली है। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे ओलिवियर डेविस, उसके बाद देखने को मिलेंगे एलेक्स रॉस। ओलिवियर डेविस ने आखिरी मैच में भी पर्थ स्कॉचर्स के सामने 8 शतक जड़ा था और एलेक्स रॉस ने भी गजब की पारी खेली थी, और ये दोनों ही खिलाड़ी ना की प्लेयर हैं। अगर ये टीम पहले बैटिंग करने आती है तो आप टॉप 4 के साथ आराम से जा सकते हो, और मुझे लगता है टॉप 4 आपको कंफर्म पॉइंट इस मैच में दिलाने वाले हैं। फिर नजर आएंगे सैम व्हाइटमैन की बहुत ज़्यादा इस मैच में मौका नहीं मिलने वाला है। फिर देखने को मिलेंगे डेनियल साम्स थंडर्स के तरफ से, ये थंडर को ठंडा नहीं हॉट करने वाला खिलाड़ी है भाई, की प्लेयर है। आप उठा के स्टैट्स देख लो इसी सीजन के, जिस तरह से परफॉर्म किया, बैटिंग से तो कुछ खास नहीं लेकिन बॉलिंग से हर मैच में कंफर्म विकेट दिला रहे हैं और गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद देखने को मिलेंगे बेन कटिंग, आपके मिडिल ऑर्डर में ये भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन देखो बेन कटिंग को ना बहुत ज़्यादा गेंदें मिल नहीं रही है, इसलिए कटिंग को टीम में रखना रिस्की होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप स्मॉल लीग की टीम से कटिंग को ड्रॉप कर सकते हो। क्रिस ग्रीन की अगर हम बात करें, ये आपको पावर प्ले में बॉल डालेंगे, वहाँ पर विकेट आपको एकाक निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें नैथन मैकेंड्रयू आपके राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कराएंगे, मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर में बहुत गजब की बॉलिंग कराते हैं, 2 से 3 विकेट हर मैच पर लेते हैं, आखिरी मैच में भी लिया था। उसके बाद उस्मान कादिर राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग कराएंगे, स्पिनर्स को मिडिल ऑर्डर में मदद है, हालांकि आपके पावर प्ले में भी इनका 1 ओवर आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा उस्मान कादिर का 1 ओवर पावर प्ले में आता है, वहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हर मैच में ही। बहुत बार हम इनको सब लोग हम छोड़ देते हैं कि यार उस्मान कादिर से अच्छे ऑप्शन हमारे पास है, डॉगेट बड़ा नाम मैकेंड्रयू, लेकिन उस्मान कादिर छुपे रुस्तम टाइप से खिलाड़ी है जो आके मैच में 2-2 विकेट निकाल के दे रहा है। एटलास्ट ब्रेंडन डॉगेट भी आपके पावर प्ले में 1 से 2 ओवर इनका पावर प्ले में आएगा, उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराएंगे। अब जान लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स के बारे में, और ये स्टैट्स आपको जीएल प्लस स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो आप हमेशा दूसरे से मांगते रहते हो जीएल की टीम कोई आपको नहीं देगा, और जो देता है उससे आप जीतोगे नहीं, लेकिन अगर स्टैट्स देख के आप खुद टीम बनाओगे ना और किस्मत साथ दे देगी तो कंफर्म आप उस दिन जीएल के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। तो स्क्रीनशॉट तो सबसे पहले ले लो। चलिए बात करेंगे मैथ्यू गाइक्स, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग, 56 रन 37 56 32, आखिरी मैच में फ्लॉप रहे गाइक्स के। आखिरी 5 मुकाबले आप उठा के देख लो ना, सिर्फ लास्ट मैच में फ्लॉप रहे हैं, बाकी के हर मैच में ओवरऑल देख लो एवरेज बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। और स्टार्टिंग के ओवरों में वैसे भी देखो जो भी स्टार्टिंग में आते हैं ओपनिंग करते हैं ना, उनके पास गेंदें ज़्यादा होती हैं खेलने के लिए, मौके ज़्यादा होते हैं, तो वो खिलाड़ी आपको कन्फर्म पॉइंट दिला सकते हैं। डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, 53 49 3 रन 200 रन, आखिरी मैच में 10 रन। ओलिवियर डेविस राइट हैंडेड बैटिंग, 16 रन 58, आखिरी मैच में 0 रन। सैम व्हाइटमैन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपर,
143, 47, 45 आखिरी मैच में 42 रन मारे थे। एलेक्स रॉस राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 25 रन 41 रन 34 रन। बेन कटिंग राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 2 रन 9 रन 2 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 26 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली थी। डेनियल सैम्स राइट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराएंगे, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली। क्रिस ग्रीन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। क्रिस ग्रीन को लास्ट के 5 मुकाबले आप देख लो, कप्तानी पारी संभाल रहे हैं, बॉलिंग से हर मैच में पॉइंट दिला रहे हैं, विकेट निकाल के दे रहे हैं जब भी जरूरत पड़ रही है टीम को। और पावर प्ले में इनको कंफर्म मुझे लगता है इस मैच में 1 विकेट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ से क्रिस ग्रीन बहुत सेफ ऑप्शन होने वाले हैं। उस्मान कादिर राइट आर्म लेग स्पिन, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। मैक एंड्रयू राइट आर्म मीडियम फास्ट, 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली थी। डॉगेट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, आखिरी 2 मैच से डॉगेट को 1-1 विकेट सिर्फ मिल रही है। यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप गाइक्स वार्नर डेविस के साथ जा सकते हो, मिडिल ऑर्डर में एलेक्स रॉस डेनियल साम्स, और मुझे लग रहा है बॉलिंग ऑर्डर में अगर मुझे उस्मान कादिर और मैकेंड्री या मैकेंड्री डॉगरेट मुझे ज़्यादा सेफ लगते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ से सैम वाइटमैन, एलेक्स रॉस, बैन कटिंग और इसके अलावा क्रिस ग्रीन, उस्मान कादिर, ये 4-5 खिलाड़ी मुझे रिस्की प्लेयर सिडनी थंडर्स की तरफ से लगते हैं। तो गाइज देखो, मैंने आपको प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड बता दिए जिससे आप काफ़ी आसानी से टीम मेकिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली एक फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेस्ट, 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट, वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट, लो कमीशन कॉन्टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इंस्टेंट विड्रॉल, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इसके साथ साथ गजब का डिपॉजिट ऑफर। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल की बात करो तो 16 टाइम एक दूसरे का आमना सामना किया है, जिसमें से पर्थ स्कॉचर्स को जीत हासिल हुई है 7 बार। वही बात करें सिडनी थंडर्स की तो 9 जीत हासिल हुई है। गाइस यहाँ कहीं से भी सिडनी थंडर्स ठंडे नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हो। अगर आप यहाँ कंपैरिजन की बात करोगे ना, इस सीज़न में पर्थ भले टॉप पे है लेकिन हम हिस्ट्री की बात करें तो जब भी आमने सामने भिड़े हैं वहाँ पर थंडर्स ने हॉटनेस बढ़ाई है और मैच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और गजब की पारी खेल खेल के आप देख लो, स्टैट्स तो हैवी दिख रहे हैं। और लास्ट मैच भी जब आमने सामने भिड़े थे तो उस मैच को भी थंडर्स ने जीता था। तो हमेशा ही आमने सामने रिकॉर्ड में थंडर्स ऊपर रहेगी। तो मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा? मेरा प्रेडिक्शन देखो थोड़ा एज यूजुअल बहुत क्लियर रहता है, जिससे हमेशा मेरा रहता है कि पर्थ स्कॉर्चर्स इस मैच को जीतने वाली है और इस मैच में धमाल मचाने वाली है। पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम अपना नंबर 1 रैंक बनाए रखेगी, रिटेन करेगी। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ना तो पर्थ स्कॉर्चर आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है, बार बार लगातार 1 मैच से बीच में हार गई थी। थंडर्स की बात करें तो आखिरी 5 में से ये भी 4 मैच जीती है, आखिरी मैच जरूर हारी है लेकिन उसके पहले अगर आप देखो ना तो लगातार 4 बार मैच जीती है। तो गाइज देखो यहाँ स्टैट से भी दोनों टीमें बराबर हो गई हैं, मतलब पर्थ स्कॉर्चर रैंक 1 पे होने के बाद भी थंडर्स के बराबर दिख रही है मुझे। तो मेरा प्रेडिक्शन तो मैंने बता दिया, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है। अब चलते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो है हमारी फैंटेसी टीम की। मैंने अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किया है, क्योंकि देखो गाइस देखो टीम परफॉर्म करके देगी ना सारा प्रेडिक्शन रह जाएगा एक तरफ। अगर टीम परफॉर्म करके देगी तो आप तो फिर हमारे ही चैनल और हमारे ही बारे में बातें करोगे। तो यहाँ पर देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले टीम का स्क्रीनशॉट भी ले लो, इस सेम टीम के साथ भी जाओगे तो लॉस नहीं होने वाला है। विकेट कीपर में मैंने चूज़ किया है जो सेंगलिस को। बैटर्स की बात करें तो डेविड वार्नर, ओलिवर डेविस, कैमरन बैंकक्रॉफ्ट एंड एस्टन टर्नर। ऑलराउंडर में मैंने चूज़ किया है डेनियल साम्स, एरन हार्डी को। बॉलर की बात करें तो मैकेंड्रयू, एंड्रयू टाई, बैरन रॉफ एंड मैथ्यू केली। तो ये मैंने अपनी टीम बनाई है अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस मैच के कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस होने वाले हैं डेविड वार्नर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और वाइस कैप्टन के लिए आप एरन हार्डी के साथ जा सकते हो, कमाल करके देने वाली है ये टीम भी। लेकिन देखो जीएल में आप और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो कैप्टन के लिए डेनियल डेविड वार्नर एंड डेनियल सैम्स, और वाइस कैप्टन की बात करें तो आप ओलिवियर डेविस एंड एरन हार्डी के साथ जा सकते हो। तो ये मेरे 4 की प्लेयर हैं इस मैच के लिए जो मुझे लगता है इस मैच में गजब की परफॉर्मेंस देने वाले और हमारी फैंटेसी में पॉइंट दिलाने वाले।
अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो पॉइंट तो अपने आप ही मिल जाएगा। जैसा आखिरी मैच में हमने एक तरफा विन कराया है, बहुत गजब की विनिंग कराई है। कंपैरिजन कर लेना चैनलों से जहां पर आप ज्वाइन करके हार रहे हो, करके उसके बाद मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाना। बाकी गाइस देखो, आपको पता है कि मेरी फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको मिलेगी मेरी लास्ट एंड बेस्ट विनिंग टीम, जो कि आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद जब हमें एग्जैक्ट प्लेइंग 11 पता चल जाता है। तो अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है तो वो हमारे 11 में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टॉस कौन सी टीम जीतने के बाद क्या फैसला लेने वाली है, उसके बिहाफ पे कैप्टन वॉइस कैप्टन में चेंजेस होंगे, तो वो सारे अपडेट आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, और बीबीएल के साथ साथ बाकी के मैचेस में भी विनिंग करनी है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए फैंटेसी क्रिक बॉल आ चुकी है आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो की पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरा प्रेडिक्शन लेके आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।